द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आप सभी लोग अपनी आगामी पैट की परीक्षा के लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोगों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब तक आप 80 के ऊपर नंबर नहीं लाएंगे तब तक जो लोअर PCS के फॉर्म होते हैं उसको आप नहीं भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम लोग आगामी पैट की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से लगाएं और किस प्रकार से अधिक नंबर ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग किसी ना किसी बुक से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अथवा यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे पास टीचर उपलब्ध हैं, उनसे हम लोग इतिहास, भूगोल, गणित, रीजनिंग ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हैं। लेकिन जब तक हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है। इसलिए आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बिना प्रैक्टिस सेट लगाए भैया कुछ होने वाला नहीं है। अपने मन में सोच के चलो कि हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, हम 100 में से 90 नंबर ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। एक ही पब्लिकेशन अथवा एक ही कोचिंग के प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग कोचिंग के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनका लेवल अलग अलग होता है। इन सारी चीज़ों को आप लेखपाल भर्ती के पेपर में ध्यान से देख चुके होंगे कि घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट था और किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कोई भी समानता नहीं थी। एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट था और अंकित भाटी ने जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें कोई भी समानता नहीं थी। लेवल सबका अलग अलग होता है और हम चूंकि तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए हमें प्रत्येक लेवल को कवर करना पड़ेगा। कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए हमें उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 100 नंबरों में कुछ भी पूछ सकता है। इतिहास का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, गणित के 5 नंबरों में से कुछ भी पूछ सकता है, और जो आपके ग्राफ के 10 प्रश्न आते हैं उसमें कठिन भी पूछ सकता है, सरल भी पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा हमें नहीं पता है, इसलिए हमें प्रत्येक कंडीशन के लिए तैयार रहना है। अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना है कि सरल सरल प्रश्नों का या सरल सरल प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिए किसी पब्लिकेशन के या किसी कोचिंग के और हम उसमें तुर्रम खा बन के घूम रहे हैं कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं। अरे कभी कभी कठिन प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करके देखिए। तो आप इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपके मार्केट में जो किताबें उपलब्ध हैं उसमें हर किताब का अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग लेवल है और अलग अलग उन्होंने प्रश्नों को डिजाइन किया है। इस प्रकार आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा पेपर में सफलता पाने के लिए। और आपका जो टारगेट है वो 80+ होना ही चाहिए, उससे कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं और उन किताबों का प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व कराते हैं। अभी हम लोगों ने अरविंद पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, अग्रवाल का एग्जाम कार्ड चल रहा है और आपके पेपर तक कौन कौन से प्रैक्टिस सेट होंगे चलिए इसको हम लोग बता देते हैं। जैसा कि तीसरे नंबर पे आता है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन, इसको भी सॉल्व कराया जाएगा। घटना चक्र की जो टोह सीरीज आती है इसको भी सॉल्व कराया जाएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जाएंगे। अंकित भाटी की बहुत चर्चाएँ होती हैं उत्तर प्रदेश में पैट की परीक्षा के लिए, इनके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराया जाएगा। उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा और स्टडी 91 का जो यूट्यूब चैनल है वो भी बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको देता है, उसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन, एक्सीड पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, गाइडर, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए चक्षु पब्लिकेशन में कितने 20 प्रैक्टिस सेट हैं लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग 20 सॉल्व ना कर पाए, मात्र 10 प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जितना लिखा गया है ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और आपको पता है कि जितने भी यहाँ नाम यहाँ पर लिखे हैं, गाइडर के बाद यहाँ पर आता है
पूजा पब्लिकेशन आता है और यूनिवर्सल आता है। तो अभी हम लोगों ने 14 किताबों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और बुक अच्छी लगती है जिसको आप चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके पेपर तक ये 14-15 जो किताबें हैं ये सभी किताबें सॉल्व करा दी जाएंगी, यानी कि सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है। आप पैट की किसी दुकान पे जाइएगा, वहाँ घटना चक्र की टोह सीरीज उठा के देखिएगा, पैट का जो टोह सीरीज है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उसका उठा के देखिएगा। और आप इनका किरण वालों का, ये जो किरण पब्लिकेशन है ये भी बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, इनकी किताब उठा के देखिएगा, आपको जमीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। घटना चक्र का बहुत ही नॉर्मल प्रश्न दिए हैं और किरण पब्लिकेशन में कुछ हाई लेवल के प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जब अनेक लेवल के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के प्रत्येक जो पब्लिकेशन होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। और इन सबको सॉल्व करने के बाद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पेपर में 80-85 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबरों की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी लोग द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग जबरदस्त प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और इन सारी किताबों के प्रैक्टिस सेट को एक ही YouTube चैनल पर आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर देखिए, आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।